हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में बेटे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उनके, पिछले वाले में क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट वी विल स्टडी फॉर मेटल्स। पहले मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, बाद में नॉन मेटल्स को, ठीक है? पहले मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाद में नॉन मेटल्स की। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं मेटल्स? सबको पता है मेटल व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म, क्या बन जाएगा? मेटल और ऑक्सीजन मिल गए तो दैट विल फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। मेटल व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। बट द फॉर्मेशन और द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द ऑक्सीजन दैट डिपेंड्स अपॉन, वो किस पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी, दैट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मीन्स मेटल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, कितनी कम रिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी या कितना लेट क्या बनेगा, उससे ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन दैट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मीन्स कैपेसिटी टू रिएक्ट, हाउ फास्ट अ मेटल रिएक्ट। तो जनरली द एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम, ये जो हैं सोडियम पोटाशियम जैसे मेटल्स इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं क्या बना देते हैं, ये ऑक्साइड्स बना देते हैं। सोडियम दैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। Similarly, potassium that also react with the oxygen and that will form potassium oxide. So these are very reactive. कौन कौन है वेरी रिएक्टिव? सोडियम और पोटाशियम। जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं एकदम से ऑक्साइड बन जाता है। इस ऑक्साइड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है काफ़ी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पढ़ा हुआ हमने पहले एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, तो बहुत हीट रिलीज होती है और इमीडिएटली इस पे क्या हो जाता है, इट विल कैच फायर, ये आग ले लेता है, सोडियम आग ले लेता है। इसीलिए ये जो एक्टिव मेटल्स हैं सोडियम पोटाशियम वगैरह, दे कैप्ट इमर्स्ड इन वाटर, सॉरी नॉट इन वाटर, इन कैरोसिन ऑयल। क्यों कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है? ताकि ये एयर के कॉन्टैक्ट में आके क्या ना बने, इस पे ऑक्साइड ना बने और ये आग ना पकड़े, ठीक है? तो ये मेटल्स ऐसे हैं जो काफ़ी रिएक्टिव हैं और इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं। फिर बैठते बारी आ जाती है किनकी, मैग्नीशियम एल्युमिनियम वगैरह की। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आने पर रिएक्ट नहीं करते, उनको क्या करना पड़ता है, स्लाइट वार्म करना पड़ता, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग आपने की है ना जी, पहले चैप्टर में की थी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। उसमें क्या, मैग्नीशियम के रिबन को आप कैंडल के हेल्प से, जहाँ स्पिरिट लैम्प की हेल्प से, बर्नर की हेल्प से क्या करते थे, बर्न करते थे। और जब बर्न करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की बर्निंग करेंगे, बर्निंग मीन्स रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सिंपली हीट करने पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे, बट हीट करने पे क्या बना देंगे, ऑक्साइड्स बना देंगे। उसके बाद फर्दर जिंक, आयरन, कॉपर, ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते और सिंपल हीट करने पे भी रिएक्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रांग हीटिंग करनी पड़ेगी। दे रिएक्ट ऑन स्ट्रांग हीटिंग, दे फॉर्म ऑक्साइड ऑन स्ट्रांग हीटिंग। जिंक व्हेन हीटेड विद अ स्ट्रांगली हीटेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स, क्या बन जाएगा, जिंक को हीट करेंगे भाई, जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा क्या नाम होगा, जिंक ऑक्साइड, दैट विल बी जिंक ऑक्साइड। क्या होगा बेटे, जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली आयरन, इफ दैट इज हीटेड विद द ऑक्सीजन तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, हाँ फेरिक ऑक्साइड, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। सिमिलरली कॉपर, हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या बना देगा ये, कॉपर ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। मेटल के साथ हीट करने पे क्या बनाती है, ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड कितनी जल्दी बनता है वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। अगर जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारी सोडियम पोटेशियम वगैरह, वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाती है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही ऑक्साइड बना लेती है और रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ताप निकासी रिएक्शन जिसको आप बोलते हो होता है, तो इसलिए इसको आग लग जाती है। तो जब भी हम इनको एयर में रखते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं। जान ली फिर इन मेटल्स को किस में डुबो के रखा जाता है, इनको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए। फिर उससे कम रिएक्टिविटी वाले थोड़ा सा हीट करने पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते और ऑक्साइड बनाते। फिर उससे कम उनको स्ट्रांग हीटिंग करनी पड़ती है, जिंक, आयरन, कॉपर वगैरह को स्ट्रांगली हीट करेंगे। ये जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर। ये बेस बिहेव करते हैं। When they dissolved in water, water में क्या कर दिया जाए, इनको डिजॉल्व कर दिया जाए। जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है बेस, उसको क्या बोलते हो आप, उस बेस को क्या नाम देते हो जी, अल्कली। यस, वो जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उसको अल्कली बोलते हैं। सो दैट्स वाई देयर सोल्यूशन आर अल्कली, देयर सोल्यूशन आर अल्कलाइन इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड है, उसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली पोटेशियम का ऑक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व करने पे क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है जी, ओके। तो मैंने बोला ये क्या होते हैं, अल्कली होते हैं, पर कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऑक्साइड अल्कलाइन नहीं होते, जिनके ऑक्साइड बेसिक नहीं होते। देर आर सम एग्जाम्पल्स सॉरी जिनके ऑक्साइड अल्कलाइन नहीं होते। वो कौन सी एग्जाम्पल है जिनके ऑक्साइड अल्कलाइन नहीं होते, हाँ जी कोई बता सकता है जी, कौन से हैं मेटल्स जिनके ऑक्साइड अल्कलाइन नहीं होते। वो अल्कलाइन ना होके वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स जैसे इसको डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में तो ये क्या बना रहा है, अल्कली बना रहा है। बट दोज मेटल्स दे कैन डिजोल्व, किस में डिजोल्व हो सकते हैं, डिजोल्व इन एसिड एज वेल बेस, दोनों में डिजोल्व हो जाते हैं ऐसे ऑक्साइड्स। वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों में डिजोल्व हो जाते हैं दे आर कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड जनरली ऑक्साइड्स ऑफ किसके ऑक्साइड बेटा, कौन सी मेटल के, जिंक के, एल्यूमिनियम के, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो दोनों में डिजोल्व हो सकेगा, मतलब एसिड में भी डिजोल्व हो जाएगा, बेस में भी डिजोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
जिंक ऑक्साइड है दैट कैन डिजॉल्व इन द एसिड लाइक HCl. क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड एंड वाटर. सिमिलरली जिंक ऑक्साइड किस में भी डिजॉल्व हो सकता है? बेस में भी डिजॉल्व हो सकता है. मैं स्ट्रांग बेस ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या बना देगा? सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट, जैसे जिंक क्लोराइड सॉल्ट है वैसे सोडियम जिंकेट भी क्या है? सॉल्ट है. और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर. तो आप चेक कर सकते हैं कि ये एसिड में बेस में दोनों में डिजॉल्व हो गया, इसलिए इसको क्या सपोज करते हैं, हम क्या मानते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर. माने जिंक के साथ साथ क्या भी बोला हुआ है? एल्युमिनियम भी. उसका भी ऑक्साइड जो है बेसिक नहीं होते, इसके ऑक्साइड भी क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं. एम्फोटेरिक मतलब एसिड भी है बेस भी है, ठीक है. तो एल्युमिनियम की भी एग्जांपल ले लेते हैं. एल्युमिनियम के ऑक्साइड दैट इज Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजॉल्व हो जाता है और क्या बना देता है? सॉल्ट बना देता है. एसिड सॉल्ट दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर. सिमिलरली एल्युमिनियम का ऑक्साइड और किस में? बेस में भी डिजॉल्व हो सकता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लिया. बेस में डिजॉल्व हो गया तो क्या बना देगा? सोडियम एल्युमिनेट, सॉरी नॉट हाँ सोडियम एल्युमिनेट बन जाएगा. सोडियम एल्युमिनेट इज द नेम ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड. और क्या? वाटर. सोडियम एल्युमिनेट और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा. तो ये भी दोनों में डिजॉल्व हो सकता है. तो इसका मतलब ये भी किस क्या है, नेचर कैसी है इसकी? एम्फोटेरिक नेचर है. जनरली मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनके बेस भी होते हैं एसिड भी होते हैं, मतलब दोनों में डिजॉल्व हो जाते हैं. ऐसे मेटल्स जिनके ऑक्साइड्स दोनों में डिजॉल्व हो जाते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. तो उनकी एग्जाम्पल में कौन आता है? जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड. जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड उसकी एग्जाम्पल में आते हैं. देन उसके बाद बेटे हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं मेटल्स? जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स दैट रिएक्ट विद द वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? जनली वो बनाती हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड. दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड. वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर कौन सी है, किसका ऑक्साइड बनेगा किसका हाइड्रोक्साइड बनेगा. अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन इज आल्सो प्रोड्यूस. तो जनरली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, क्या बना देंगी? मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, ठीक है. अब प्रोडक्ट फिर बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगा, स्लो होगा फास्ट होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी. किसकी रिएक्टिविटी? मेटल्स की रिएक्टिविटी. सिमिलरली फिर यहाँ पे एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम जो हैं रिएक्ट करते हैं किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है. वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जी. सोडियम का रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन जी? वाटर के साथ. सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना देता जी हाइड्रोक्साइड. सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा साथ में? हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा. सिमिलरली पोटेशियम है तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हैं. पहले भी बता चुका हूँ ऑक्सीजन के केस में भी हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है. और आपको पता है ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये क्या होती है? हाईली कम्बस्टिबल गैस होती है. हीट निकलती है, हाईली कम्बस्टिबल गैस प्रोड्यूस हुई है,
इसीलिए इस केस में क्या होता है, लिटिल एक्सप्लोजन हो जाता है, लिटिल एक्सप्लोजन हो जाता है। व्हेन लिटिल एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस, व्हेन द सोडियम पोटेशियम कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर, जब सोडियम या पोटेशियम पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है वहाँ पे एक्सप्लोजन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हीट निकली है उसमें हाइड्रोजन जो है उस हीट की वजह से क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, छोटा सा एक्सप्लोजन वहाँ पे हो सकता है। सो इट कुड बी डेंजरस टू वर्क विद द सोडियम, सोडियम के साथ वर्क करना है लैब में तो ध्यान से वर्क करना है। अब सोडियम पोटाशियम तो मैंने बोला अभी रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट हो जाते हैं और इवन एक्सप्लोजन भी हो जाता है। बाद में इससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव कैल्शियम, हाँ रिएक्शन वो भी रूम टेम्परेचर पे करता है, बट उसका रिएक्शन जो है कम विग्रस होता है, कम वायलेंट होता है, इतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट किसके केस में है, सोडियम या पोटाशियम के केस में है। बनेगा उसमें भी क्या, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, बट ये रिएक्शन उतना विग्रस नहीं है जितना ऊपर वाले केस में था, इसलिए कैल्शियम को आग नहीं लगती, जबकि उसके केस में हमने पढ़ा है कि आग लग जाती है। देन इसके बाद कुछ ऐसे मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम दैट डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर पड़े भी रहने तो तब भी रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ेगा, वाटर के साथ हीट करना पड़ेगा। मैग्नीशियम व्हेन हीटेड विद द वाटर तो क्या बना देगा, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन, क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉरी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसके बाद कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो सिंपल हीटिंग से भी नहीं होगी, दे रिएक्ट विद द ऑन स्ट्रांग हीटिंग, स्ट्रांग हीटिंग बोल दीजिए, जो नॉट हॉट वाटर, दे रिएक्ट विद द हीटेड सुपर हीटेड स्टीम, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, लाइक जिंक, आयरन, जिंक और आयरन ऐसी मेटल्स हैं जो सुपर हीटेड स्टीम के साथ, तो काफ़ी हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। अब इस केस में बनता है ऑक्साइड और साथ में प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन, हमने लिखा था जी हाइड्रोक्साइड जहाँ ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे तो आप कहेंगे सब केसेस में क्या प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुए, बट हेयर इन दिस केस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आयरन के केस में भी, आयरन के केस में भी क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, आयरन के केस में भी ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, क्लियर है इसके बारे में, जब भी रिएक्ट करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, वो डिपेंड करता है मेटल कौन सी है। आप देख लीजिए ये सारी सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सब में हाइड्रोक्साइड बन रहा है, देन फर्दर जिंक आयरन वगैरह में ऑक्साइड बन रहा है, एल्युमिनियम में भी ऑक्साइड बनता है। क्या आप लिख सकते खुद रिएक्शन एल्युमिनियम की वाटर के साथ, एल्युमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन आपने लिखनी है खुद, ट्राई करनी है आपने एल्युमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन करने की। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, जितने भी मतलब ऑल केसेस में ऐसा नहीं है बट जनरली होता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है क्या बना देती है, मेटल सॉल्ट बना देती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट चैप्टर में बेटे आपने हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन पढ़ी थी जिंक ग्रैन्यूल्स पे, जिंक ग्रैन्यूल पे एसिड डालते थे ना, उससे प्रोड्यूस होती थी। तो सिंपली आप याद रखिए, मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी क्या प्रोड्यूस करेंगी, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। एल्युमिनियम की एग्जाम्पल ले लीजिए, एल्युमिनियम का रिएक्शन होता है तो देन आल्सो एल्युमिनियम क्लोराइड एज ए मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सारे केसेस में आप देख सकते हो क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सिर्फ आप एल्युमिनियम की HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं ले सकते, आप एल्युमिनियम की किसी और एसिड के साथ रिएक्शन ले लीजिए। सपोज करिए किसके साथ ले लेते हैं, हम विद द सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ले लेंगे, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा एल्युमिनियम सल्फेट और क्या प्रोड्यूस होगा, ये तो मस्ट है, हाइड्रोजन गैस। हर एक केस में क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। आप आयरन का रिएक्शन मान लीजिए विद द सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन का रिएक्शन मान लेते तो क्या प्रोड्यूस होगा, फेरिक सल्फेट प्रोड्यूस होगा, साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। हर एक केस में चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं, सारे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं? नो, ऑल द एसिड्स नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद द मेटल। सारे एसिड्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं मेटल के साथ। हाँ, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, नाइट्रिक एसिड दैट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद द एसिड्स। वाई नाइट्रिक एसिड डज नॉट लिबरेट नाइट्रिक एसिड, क्यों नहीं लिबरेट करता, क्या रीजन है इसके पीछे? बिकॉज ये जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है इजीली, जो किसी को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ करवा देते हैं रिएक्शन, ठीक है। जिंक का कोई भी मेटल का किसके साथ करवा दिया, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब इस केस में करवाते हैं तो ये हमारे अकॉर्डिंगली अगर ऊपर वाला ही माने तो क्या होना चाहिए था, जिंक नाइट्रेट और क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, हाइड्रोजन। बट ऐसा नहीं होता, इसमें जिंक नाइट्रेट वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है, जिंक नाइट्रेट वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है। अब क्यों ऐसा क्या हुआ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, होना चाहिए था प्रोड्यूस हाइड्रोजन, पर हाइड्रोजन को वो इमीडिएटली क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इमीडिएटली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन प्रोड्यूस को वाटर में, और खुद नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है किसमें, इन द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने बोला, नाइट्रस ऑक्साइड बोला। तो इमीडिएटली दैट विल प्रोड्यूस वाटर जो है, हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस होगी उसको नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर में। अच्छा जी, ये बोला कि नाइट्रिक एसिड नहीं करता, अब क्या सारी मेटल्स लिबरेट कर पाती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि सारी मेटल्स लिबरेट कर पाती हैं हाइड्रोजन, नहीं सारी मेटल्स, मैंने बोला जनरली इट इज केस कि मेटल्स एसिड के साथ मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी, बट सारी एसिड मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, सम मेटल्स दे आर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं इन बिटवीन है, सेंटर में है, कुछ हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स हैं, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हैं, जो सिंपल शब्दों में कहो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन, बट जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, दीज डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद द एसिड्स। अब ये रिएक्शन अगर करेंगी कॉपर सिल्वर वगैरह तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगी, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, दे कांट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फर्दर एक और प्रॉपर्टी है हमारी, वो है जी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन।
रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जनरली आपने ये रिएक्शन पहले पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपने एक टाइप पढ़ी थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन किसी का भी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सपोज कर लीजिए मेटल का नाम रहने रख दिया ए, दैट रिएक्ट विद द मेटल, जो मेटल के साथ रिएक्ट किया उसका नाम कर लिया हमने बी, एंड दैट मेटल इफ इट इज मोर रिएक्टिव, बी वाली अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, पर किसका बन जाएगा, मेटल बी का, और ए मेटल जो है वो फ्री फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, ए मेटल सपोज कर ली कॉपर, कॉपर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, दूसरी मेटल हमने सपोज कर लेते हैं जिंक, ठीक है, जिंक होगी बी मेटल, अब क्या बन जाएगा, बी का सॉल्यूशन मतलब जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगी, मेटल ए है वो अलग से प्रोड्यूस हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब मेटल्स जब भी मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती हैं, अगर वो रिएक्टर करने वाली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या कर देगी, उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस होके खुद वहाँ सेट हो जाएगी, ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगी। ये सारी क्या थी आपकी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़।